धीरक क्षेत्र के युवा समाज सेवी सुकृत सागर ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उठाओ पेयजल योजना गुरेल का कार्य वर्ष 2012 में स्वीकृत हुआ था। उस दौरान गांव गुरेल, बिलासपुर, भकरेल, भकलेड, जलख, भटेड, थला, घमीरपुर, जलियारा व नंदपुर इत्यादि गांवों के लोगों को आस जगी थी कि उनकी वर्षों पुरानी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन जब योजना तैयार हुई तो उसका कोई भी लाभ ग्रामीणों को मिलता नजर नहीं आ रहा है। सागर ने आरोप लगाया है कि 3.72 करोड़ की इस योजना में सबसे पहले पाइपें बिछाने का काम किया गया था, इसके बाद परकेशन बेल पर निर्माण किया गया था जो कि नियमों के अनुरूप नहीं हुआ। जियोलॉजिस्ट ने करीबन 17 मीटर गहरे कुएं की रिपोर्ट दी थी जबकि कुआं कम खोदा गया था जिसके चलते पानी कम रह गया है। इसके लिए विभाग ने पंप भी खरीदे थे लेकिन पानी कम होने की वजह से वो किसी काम नहीं आए और विभाग ने छोटे पंप खरीद कर लगा दिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीबीएमबी के जमीन में निर्मित इन कुओं की फिजिबिलिटी रिपोर्ट विभाग ने कैसे जारी कर दी है। इन कुओं में फेसिंग तक नहीं की गई है और इन पर ढक्कन तक नहीं लगाया गया है। विभाग ने कम पानी को देखते हुए एक और कुआं बनाया जो कि बनेर खड्ड के बीचों बीच है। बरसात के बाद इसमें गाद भरी हुई है। उन्होंने कहा कि जब कुएं में पानी कम था तो विभाग ने पहले ही पाइपिंग क्यों बिछवाई और क्यों बड़े पंप खरीदे। उन्होंने कहा कि वह इस सारे मामले की विजिलेंस जांच की मांग करेंगे, यदि जरूरी हुआ तो मामला सीएम के समक्ष रखा जाएगा और विभाग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, हमारे गुलेर गांव में एक वाटर सप्लाई की स्कीम लगी थी 3.72 करोड़ रुपए की जो कि फेल हो गई स्कीम टोटली। इसका बड़ी वजह रही है जो स्कीम में, जहां तक मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इस स्कीम के जो बेनिफिशरी थे वो लगभग 15 गांव के 15 से 20 हजार लोग स्कीम के बेनिफिशरी थे। गवर्नमेंट इसने डिपार्टमेंट ने विभाग ने खुद अंडरटेकिंग दी हुई है कि आपका इस स्कीम के अलावा हमारे पास पानी की व्यवस्था की पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं था। ये पूरी की पूरी स्कीम बीबीएमबी की लैंड में बना दी गई, कॉर्पोरेशन बेल्ट बीबीएमबी की लैंड में बनाए। जब बीबीएमबी पानी स्टोर करता है ये पूरे एक जो इसमें कॉर्पोरेशन बेल है वो पूरे का पूरा डूब जाता है। दूसरा जो हाफली सबमर्ज हो जाता है जो पूरे का पूरा डूब जाता है उसमें पूरी पूरी गाद भरी हुई है अभी, और बाकायदा उसका कनेक्शन दिया उन्होंने क्लियर वाटर स्टोरेज टैंक में। तो ये सारे मामले को लेके हम लोग यहाँ आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और मुख्यमंत्री महोदय से हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की विजिलेंस जांच करवाई जाए, इस स्कीम का ऑडिट करवाया जाए और जिन्होंने भी ये भ्रष्टाचार किया है जो भी इसके जिम्मेवार अधिकारी हैं उनसे रिकवरीज की जाए, सजा दी जाए उनको। और हम लोगों को ये जो 15,000-20,000 के आसपास जो लोग हैं इनको पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए, क्योंकि ये विभाग ने ही लिखित दिया हुआ है, सर्टिफिकेट दिया हुआ बकायदा कि इसमें आपका इनके इन लोगों के पास पानी के पीने की व्यवस्था के लिए कोई और स्कीम कोई और व्यवस्था नहीं है इनकी। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरी पूरी स्कीम बीबीएमबी की लैंड में थी, तो ये मुझे नहीं पता कि इसका फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे दे दिया। अब विभाग ने दिया हुआ कि हम इस लैंड को ट्रांसफर करेंगे आईपीएच के नाम, वो कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये सब बड़ी मेरी समझ से परे की चीजें हैं। तो एक इसमें फेंसिंग खरीदी हुई है, फेंसिंग का कोई अभी तक फेंसिंग नहीं लगी है। राइजिंग मेन पाइप स्कीम में सबसे बड़ा घोटाला यहाँ लग रहा है कि स्कीम में राइजिंग मेन पाइप पहले डाल दी और आपकी जो परकुशन बेल है जहाँ से पानी निकल रहा है जिस कुएं से वो बाद में बनाया गया। तो इस सारे विषय पे हम यहाँ आज आए थे और आपको संबोधित किया है और आपके माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका पूरे का पूरा विजिलेंस इंक्वायरी करवाई जाए, ऑडिट करवाया जाए। इससे पहले आपने मतलब कहाँ से इसकी जांच पड़ताल शुरू की और क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी या फिर किसी मंत्री से या अपने जो स्थानीय विधायक हैं उनसे आपने इसके संदर्भ में बात की है नहीं की है? जी, ऐसा है, मैंने ये सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन विभाग से निकलवाई। इन्फॉर्मेशन निकलवाने के बाद जब मैंने इस पे अपने स्तर पे इसको देखना समझना शुरू किया तो उसके बाद मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। तो मैं सबसे पहले मैंने यही निर्णय किया कि सबसे पहले मैं लोगों को इस चीज़ के बता दूं, और मैंने जरिया चुना आप लोगों का, मीडिया का मैंने जरिया चुना। अब इसके बाद हम जल्द इस पे एजिटेशन कर रहे हैं 2-4 दिन में, और एजिटेशन करके फिर हम गवर्नमेंट के समक्ष वापिस इस मांग को दोहराएंगे कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी करवाई जाए और जल्द से जल्द हमें जो है वो पीने के पानी, साफ स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करवाई जाए। आपको किस तरह का प्रेशर आ रहा है? सर, अब देखिए इतना बड़ा घोटाला है, इसमें अलग अलग स्तर से एक मैसेज आता है कि आप इसको ना करें, आप चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लेके ना जाएं। ऐसा इस तरह का प्रेशर है कि इस चीज को स्टॉप कर दें, हम लोग देख लेंगे। हम तो क्या आपने इसकी कोई पुलिस में भी शिकायत दी है? नहीं नहीं सर, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ।
कितना खर्चा हो चुका है जो इस स्कीम में अब तक? सर ये टोटल 3,72,00,000 की स्कीम थी, जो स्वीकृत राशि थी नवार्ड से, एमएलए प्रायोरिटी की स्कीम थी, नवार्ड से स्वीकृत राशि 3,72,00,000 की थी। और अभी इस पे जो कार्य हुआ वो रुका हुआ है, अभी इस पे कोई कार्य काम नहीं चल रहा है, ये एज इट इज अभी स्कीम जो है वो ऐसी पड़ी है।